2021। तो मैं अभी ये रशिया टूर ख़त्म होने आया है, कुछ ही वीडियोस रहेंगे ये रशिया सीरीज़ में, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ आरटीपीसीआर टेस्ट कराने। बस 2 दिन बाद मेरी फ़्लाइट है, 48 घंटे बचे हैं। जितना हो सके उतना वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं। फ़िलहाल अभी ढूंढ रहा हूँ मेरा जो गेमो टेस्ट है, गेमो टेस्ट, हाँ मिल गया मुझे। गेमो टेस्ट करके एक लैब है यहाँ पर, वहाँ पर आरटीपीसीआर करते हैं, और देखता हूँ क्या रेट है। मेरे दोस्त हर्षद को तो उसने कहा 2800 रूबल्स लगते हैं। और एनीवेज दिन की शुरुआत अच्छी है, धूप है, काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है आज मॉस्को में। फर्स्ट टाइम मैं धूप देख रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं जब था 3 हफ्ते पहले तब धूप नहीं थी। और व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? कैसे काय मंडली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉन्डर राइजिंग। आई होप ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो ये रहा गेमो टेस्ट लैब। यहाँ पर कोई टेस्ट कराने आ भी नहीं रहा है, या तो फिर कोई अंदर रहेंगे शायद से। तो मैं यहाँ पर टेस्ट कराने आया हूँ, और हाँ लाइन है, अंदर लाइन दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर आया हूँ मैं अभी, गेमो टेस्ट में है। यहाँ पर आप रेट देख सकते हो कि 2 दिन का जो है वो 2300 है, 2 दिन में रिपोर्ट आया। 1 दिन में रिपोर्ट आया वो इतना कॉस्ट है, और बाकी 15 मिनट्स का है वो 2200 रूबल्स। बाकी सब तो ठीक है, मतलब सेम है, मतलब कॉस्ट अलग क्यों है वो देखना पड़ेगा। बट मुझे पूछना होगा कि 2 दिन बाद वाला या तो फिर 1 दिन बाद वाला। 2 दिन बाद वाला अगर सुबह सुबह मिल जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ पर गेमो टेस्ट में आ गया, ये लैब है, यहाँ पर अभी होने वाला है मेरा। शेटे अजिंक्य, राइट, एब्सोल्युटली, यस यस यस, ओके। तो उन्होंने एक नर्स का फॉर्म लेके रख दिया है यहाँ पर। चलो आपको दिखाई देता हूँ कैसे हो रहा है यहाँ पर। वैसे तो सब वीडियोस में दिखाया गया है, बट ये रशिया का है। 2300 रूबल्स भर के हमने ये टेस्ट लिया है अभी। 2 दिन बाद मिलेगा, सुबह 7 बजे के बाद कभी भी आप कर ले सकते हैं। हाँ डन, ओके, शुड आई वेट? ओके 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 फाइन, स्पासिबा। तो हो गया, अपना टेंशन मिट गया है। यहाँ पर जब अंदर गया था तो जूते का जो ये प्लास्टिक लगा दिया था, ये प्लास्टिक अभी निकालना पड़ेगा। काफ़ी ये सारा खर्चा है एक्चुअली, क्लीनलीनेस और लैब एकदम साफ रखने की सुविधा। यहाँ पर डाल देते हैं और अपना काम हो गया है। तो दोस्तों 2 मिनट का काम था, 2 मिनट का बस काम था। 48 घंटे बाद मुझे रिपोर्ट मिलेगा, मतलब आज है 12 तारीख और 14 तारीख को सुबह मुझे 7 बजे के बाद रिपोर्ट मिल जाएगा। ये मेरा बिल है, जो भी मैंने पेमेंट की है उसकी रिसीट बोल सकते हैं। और ये अभी कैसा है कि सुबह 7 बजे 14 तारीख को रिपोर्ट मिलेगा, और 2:10 को मेरी फ़्लाइट है। तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, 6:30 बजे तक तैयार हो जाना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आना पड़ेगा पैदल, क्योंकि ये 2 किलोमीटर दूर है मेरे हॉस्टल से, तो लगभग 20 मिनट के दूरी पर है, वॉकिंग डिस्टेंस है, अच्छा है। और होपफुली मेरा जो रिपोर्ट आएगा वो नेगेटिव आए, क्योंकि एकदम डेड लाइन पर, मतलब मुझे सुबह मिलने वाला है रिपोर्ट और लगभग 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। और अगर मैं कल का ले लेता, मतलब कल रिपोर्ट मिल जाएगा मुझे सुबह मॉर्निंग को, तो 560 रूबल्स एक्स्ट्रा भरने पड़ते थे। 560 रूबल्स मतलब 2860 रूबल्स लगते। बट मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ यहाँ पे, इसके लिए मेरा एडवांटेज है और मुझे 560 रूबल्स का मुनाफा हो गया।
मतलब ये मैंने जो गेमो टेस्ट में मैंने किया, मतलब आरटीपीसीआर टेस्ट कह सकते हैं, ये लगभग मुझे पड़ा 2,300 रूबल्स में। और यहाँ पर एक अच्छा खासा डेस्क मिला है मुझे, तो ये अपने डॉक्यूमेंट सारे अंदर रख देता हूँ, वरना मिसप्लेस हो जाएंगे तो मैं यहीं का रह जाऊँगा, रशियन सिटीज़न बनना पड़ेगा मुझे। सो दोस्तों, मैंने सोचा कि हॉस्टल से 2 किलोमीटर आगे आ ही गया हूँ, तो मैंने सोचा कि और थोड़ा आगे चले जाऊँ और एक अच्छा इंटरेस्टिंग मतलब फेमस मॉस्को का एक देखने लायक साइट सीइंग है वो देख ही लेते हैं। बट यहाँ से मेरा हॉस्टल दाहिनी तरफ 2 किलोमीटर है और बाएं तरफ 3 किलोमीटर चलना है मुझे, मतलब लगभग 35 मिनट लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने के लिए। तो पहले वो कर लेते हैं, क्योंकि अब आए हैं तो वो देखना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए दिखाता हूँ मैं आप। तो दोस्तों, यही है वो व्यू पॉइंट जहाँ पर मैं आ गया हूँ, ये रहा, बेहद खूबसूरत, शब्द नहीं मिल रहे, बस इंग्लिश शब्द याद आ रहे, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, अमेजिंग, मैग्निफिसेंट, बस देखता रह जाओ, ऐसे है ये चीज़। जो कि मतलब मैं बता देता हूँ कि ये है कैथेड्रल मॉस्क इन मॉस्को, वाकई बेहद खूबसूरत है। मैंने सोचा कि आज धूप, सूरज की किरणें पड़ रही है, तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द यहाँ पर जाऊँ। मैंने देखा ऑन द वे है, ऑन द वे नहीं है, बेसिकली मेरे हॉस्टल से 5 किलोमीटर चल के आया हूँ मैं पैदल, और ये वाकई खूबसूरत है। मैंने सोचा आज सूरज की किरणें है मॉस्को में, तो ऊपर का जो डोम है अच्छा खासा शाइन करेगा, इसके लिए मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। तब ये है मॉडर्न मॉस्क, बिल्ट इन ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, बट ये है बेसिकली मॉडर्न मॉस्क, कैथेड्रल मॉस्क इन मॉस्को। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ है जितनी दूर से देखो उतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, बिकॉज़ जितना करीब आ जाओ उसकी जो आर्टिस्टिक वर्क है वो देखने नहीं मिलता है। इसके लिए मैंने वहाँ से एक बार शूट ले लिया, कैप्चर किया, अच्छा खासा एक व्यू मिल रहा था, तो मैंने सोचा आपको वहाँ से दिखा दूँ। सामने एक अच्छा खासा होटल है, जो कि शायद से, ये देखिए ऐसे कुछ रोड्स घुलते रहते हैं 24 घंटे फवारे मारते रहते हैं और रोड्स क्लीन रखते हैं ये लोग, मॉस्को में तो होता ही है। अब यहाँ पर एंट्रेंस दिया गया है, यहाँ पर चाकू, छुरी, गन वगैरह अलाउड नहीं है, यहाँ से एंट्रेंस है, हम लोग जा सकते हैं अंदर। देखता हूँ, मेटल डिटेक्टर वगैरह है, काफ़ी कुछ सामान निकालना पड़ेगा, बैग अलग से निकालना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट चेकिंग है ये मॉस्क में अंदर एंटर करने के लिए। बेसिकली मैं अंदर तो आ गया हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पीछे जो मोहतरमा जा रही है। सो मैं अंदर तो आ गया हूँ, बट इस तरह से जो ये औरत ने कपड़े पहने हुए है उसी तरह लपेट के जाना पड़ता है। और यहाँ से मस्जिद का ड्यूटी इमाम, इमाम साहब का दफ्तर, इमाम का दफ्तर जो रहता है वो यहाँ पर है नीचे। और एंट्रेंस फॉर मेन, मतलब मेन के लिए ही एंट्रेंस है, यहाँ पर औरत लोग अलाउड नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर इतना साइलेंस है कि मैं एकदम स्लोली, धीमे से बोल रहा हूँ, फिर भी आवाज़ गूंज रहा है, वाकई बहुत अलग वाइब्स है यहाँ पर। ये थर्ड फ्लोर पर आया हूँ मॉस्क के, और वाकई ये बहुत आलीशान लिफ्ट जो डिज़ाइन वगैरह किया है अमेजिंग है। इतना बड़ा हॉल है, और आपको डोम दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर एक काफ़ी सारे झूमर लगाए हुए जो कि बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। ये एक डिज़ाइन है झूमर का,
वाकई खूबसूरत है ना। वाकई ये मॉस्क से अभी मैं बाहर आ रहा हूँ, मतलब बहुत सुकून मिला मुझे अंदर। इतना साइलेंस, इतना लोग अंदर मतलब आराम भी कर रहे थे। एक जगह पे जैकेट और बैग निकल के रख देना था, जूते, एक जूते का रैक है, कपड़ों और बैग का रखने का एक रैक है, मतलब हुक से उसके ऊपर आप जैकेट और अपना जो भी लगेज रहेगा वो लटका सकते हो। और बाद में आपको तो दिखाई दिया मैंने क्या क्या है अंदर। तो वाकई में आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी के अभी लाइक कीजिए। और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे जगह पर। अब ये मॉस्क तो देख लिया, अब एक और एक साइट सींग है जो कि वहाँ जाकर मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सस्पेंस एकदम इमिडिएटली रिवील नहीं करना है मुझे। हो गया है और बहुत टाइम है वैसे तो मेरे पास, और दो से तीन चीज़ें करनी है। और यहाँ पर देख सकते हो गाड़ियाँ रुक गई है एकदम अच्छे से, और जैसे मैं क्रॉस किया गाड़ी चली गई। ये मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, कोई एक सेकंड के लिए भी हॉर्न नहीं बजाता है कोई। हैट्स ऑफ़।